हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपको हरी धनिया की चटनी बनाना बता रही हूँ, जो आप किसी भी स्नैक्स के साथ में, पराठों के साथ में, समोसा के साथ या कोई कचौड़ी हो, सबके साथ में आप खा सकते हैं। तो आइए इनके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। एक हरी धनिया है जो मैंने धो के रखी हुई है। इसके मैंने जो मोटे मोटे स्टेम होते हैं जो, वो छांट लिए हैं, और पीली पीली जो धनिया होगी वो भी हटा देंगे और उसको धो के रखेंगे। और फिर ये मैंने हरी मिर्च ली है, आप अपने स्वाद अनुसार, जैसी आप तीखी खाते हैं वैसी ले लीजिए। और ये मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है जो छील के काट के रखा हुआ है, और ये आधा लेमन है, और ये 1 टमाटर है, ये ब्लैक सॉल्ट है 1/2 चम्मच है, ये 1/2 चम्मच प्लेन सॉल्ट है, और ये लहसुन की कलियां हैं 7-8, और ये जीरे का पाउडर है, और ये खटाई है जो मैं जो है, जब आम का सीजन होता है तो जब आम कच्चे होते हैं तो उनको मैं सुखा के और नमक हींग लगा के रख लेती हूँ, तो उससे फिर कभी भी हरी धनिया की चटनी बना के खाया जा सकता है। तो बता जो चलते हैं धनिया की चटनी कैसे बनाते हैं बता सकते हैं। मैं जार में सभी चीज को डाल लूंगी। सबसे पहले लहसुन, जो टाइट चीज होगी उसको पहले नीचे डाल लेंगे, और फिर ये अमचूर डाल देंगे, जो खटाई है वो डाल लेंगे, ये हरी मिर्च है जो जिसको हम काट के डाल लेंगे, ये 4 हरी मिर्च है जो मैंने काट के डाल ली है, और ये सारा नमक और जीरा ये सारे डाल देंगे, और ये टमाटर डाल देंगे, फिर धनिया डाल देंगे, और फिर इसको हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। पुदीने का सीजन हो तो हम इसमें पुदीना भी डाल सकते हैं, और नींबू वैसे ऑप्शनल है क्योंकि मैंने खटाई डाली है, तो मैं थोड़ा सा नींबू डाल देती हूँ, ज्यादा नहीं डालूंगी। और अब हम इसको पीस लेंगे। ये देखिए चटनी जो है पिसके तैयार है। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला था क्योंकि मैंने खटाई डाली है ना, तो इस वजह से इसमें ये थोड़ी टाइट हो जाती है। पहले से वैसे मैंने भिगो के रखा था लेकिन थोड़ा कम भीगी थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा पानी डाला है। और अगर आप केवल नींबू की चटनी बना रहे हैं तो आपको पानी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें टमाटर है तो वो खुद ही थोड़ा गीला हो जाएगा। ये आप चटनी ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसी बनी है, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।